नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स है। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p 2p1। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनर गैस NH2 NP1 टाइप का, जैसे यहाँ पर देखो 2s2 2p1 टाइप का। इसी तरह एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p1। इसी तरह गैलियम का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 4p1। इसी तरह हीलियम का क्या हो जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन ज़ेनॉन। फिर यहाँ पर एफ वाला नहीं आता, तो एफ वाला लाने के लिए यहाँ पर तो 6s2 6p1 होगा, एफ हमेशा n-2 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4f14 और 5d क्या 10। ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NH2 NP1 टाइप का रहा है। देखो यहाँ पर जैसे बताया था बोरॉन और एल्यूमिनियम्स में, बोरॉन और एल्यूमिनियम्स में यहाँ पर आप देख रहे हो, हम लोग जानते हैं कि डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स का डी एन एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका पुअर सिंडिंग होता है, पुअर सिंडिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर सिंड करता है, पुअर स्क्रीनिंग करता है। तो यहाँ पर देखो पहली बार जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहली बार डी इलेक्ट्रॉन आया, और हम लोग जानते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन का पुअर फील्डिंग होता है। इस पुअर फील्डिंग की वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग जनरल ट्रेंड क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। बट यहां पर देखोगे डी इलेक्ट्रॉन का पुअर फील्डिंग होने की वजह से देखोगे एल्यूमिनियम और गैलियम्स में ट्रेंड तो ये होना चाहिए कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, बट हम जानते हैं कि इस गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन का पुअर फील्डिंग होने की वजह से, पुअर फील्डिंग होने की वजह से क्या करता है, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और खींचने की वजह से क्या होता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। ये सब बॉन्डिंग या तो पीरियोडिक टेबल्स में ये सब बता चुका हूँ, इसका इसका जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है, अगर आप ये सोच रहे हो एटॉमिक साइज का ऑर्डर तो ये गलत है, गैलियम इंडियम थैलियम दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये जो बोरॉन है ना बहुत एक्सेप्शंस वाला फैमिली है, और इसी से क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, तो ये जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर है ये गलत है। एक्चुअल एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर आता है, एटॉमिक साइज का ऑर्डर आता है क्या आता है, सबसे छोटा साइज बोरॉन, फिर उसके बाद गैलियम आता है, गैलियम और एल्यूमिनियम। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका पुअर फील्डिंग होता है, पुअर फील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगा देता है, और जिसके वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन साइज होता है, इसी को हम लोग बोलते थे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोला करते थे, और इसलिए गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से। और यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, ये इंडियम और थैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यहाँ पर क्या रीजन था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या, इसको समझे हम, जैसे अगर आप थैलियम में देखोगे, थैलियम में क्या है, एफ भी है डी भी है, थैलियम में क्या एफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स और 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या करते हैं पुअर फील्डिंग करते हैं, ये भी क्या करते हैं पुअर फील्डिंग करते हैं। अगर ये पुअर फील्डिंग करते हैं तो क्या होगा, एक्चुअली इंडियम और थैलियम से देखो यहाँ पर दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जब हम यहाँ इंडियम से थैलियम की तरफ आएंगे तो
तो एक नया सेल ऐड होने की वजह से क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, बट ड्यू टू द पुअर फील्डिंग ऑफ एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन्स इसका साइज क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा, और जिसके कारण क्या होना चाहिए, साइज घटना चाहिए। एक फैक्टर्स है, नया सेल ऐड होने के कारण क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, एंड ड्यू टू द पुअर फील्डिंग ऑफ एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, साइज घटना चाहिए, और ये दोनों फैक्टर्स आपस में काउंटर बैलेंस कर देता है, जिस कारण क्या होता है, इंडियम और थेरियम का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्या ये वाला एटॉमिक साइज का ट्रेंड समझ में आ रहा? निश्चित हाँ, तो ये ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, सबसे छोटा बोरॉन और उसके बाद एल्युमिनियम नहीं गैलियम और थेरियम, इसका रीजन क्या, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद इंडियम और थेरियम का साइज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। एक चीज और यही पर, यहाँ पर एक इस ब्लॉक में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये जो थैलियम में देखोगे, थैलियम में तो हम लोग जानते हैं कि एफ और डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग होता है, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये जो एनएस इलेक्ट्रॉन, सिक्स एस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये सिक्स एस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना करने देगा। क्या मैं बोला फिर सुनो, ये पुअर शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर सेल पर अट्रैक्शन ज्यादा, आउटर सेल पर अट्रैक्शन ज्यादा, और हम लोग जानते हैं कि एस सबसेल्स न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, पी सबसेल न्यूक्लियस के दूर होते हैं, तो इस न्यूक्लियस का, ये जो एनएस इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स एस इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण इसको इनर्ट कर दिया, इनर्ट कर दिया मतलब ये सिक्स एस का दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, हेलियम में यही सिक्स पी वाला इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक चीज और, जैसे हम लोग जानते हैं इस ग्रुप बोरॉन फैमिली का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 होता है, +3 होता है मतलब ये बोरॉन +3 शो कर सकता है, एल्युमिनियम +3 शो कर सकता है, गैलियम इंडियम थैलियम ये सब क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, बोरॉन B3+, फिर उसके बाद Al3+, सो ऐसा ऑर्डर होगा। बट अगर आपसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर पूछता है तो ये ध्यान रखना कि थेलियम +1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इवन ये जो थेलियम होता है, थेलियम कभी कभी रेयरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, थेलियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एंड व्हाट इज द रीजंस, दैट वन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये चीज समझ में आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज दैट न्यूक्लियस, ये थैलियम में जो भी, जैसे ये बोरॉन फैमिली का है तो थैलियम, इसी तरह कार्बन फैमिली का होगा तो कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट कौन है, कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, पीवी, कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट पीवी है, तो पीवी भी देखोगे इसका जो एनएस इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट हो जाएगा और ओनली एनपी वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए लीड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह कार्बन, इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, बिस्मत, बिस्मत, तो बिस्मत में इन जनरल जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का तो ये मैं बोल रहा था कि
नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन से प्लस फाइव होता है, बट बिस्मत में देखोगे बिस्मत में इसका भी एनएस इलेक्ट्रॉन जो होता है एनएस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू इनर्ट का इफेक्ट ये एनएस इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो क्या ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी से इनर्ट पेड इफेक्ट यहीं पर समझ लो, इनर्ट पेड इफेक्ट का काम ही खत्म हो जाएगा। क्या मैं बोला कि जैसे अगर बोरोन फैमिली की बात करूं तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होता है, बट आप देखोगे ये जो थैलियम भाई साहब है थैलियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ही नहीं चाहता, ड्यू टू इनर्ट पेड इफेक्ट ये थैलियम प्लस वन में रहना चाहता। इसी तरह कार्बन फैमिली की बात करें तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, बट इसका जो लास्ट एलिमेंट है क्या पीवी प्लस फोर में रहना प्रीफर नहीं करता, ये क्या करता है पीवी प्लस टू में रहना प्रीफर करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है, बट ये जो लास्ट एलिमेंट बिस्मत है ये कभी भी प्लस फाइव में रहना प्रीफर नहीं करता है, ये अपना प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रीफर करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना, हेलियम का प्लस वन, लेड का प्लस टू और बिस्मत का प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी क्या देखा, एटॉमिक साइज का ट्रेंड ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोरोन यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले आएगा गैलियम, फिर आएगा एल्युमिनियम, फिर आएगा थैलियम और फिर आएगा इंडियम, ऐसा कुछ। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। रीजन इज व्हाट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन इज व्हाट, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बोलता हूँ तो हम लोग जानते हैं कि डाउन द रो यही एलिमेंट है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, हम लोग इन जनरल जानते थे साइज बढ़ता है, बट साइज का एक्सेप्शन ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर इट। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ये ऑर्डर आना चाहिए, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बट ये फिर से एक्सेप्शन है, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी वाला एक्सेप्शन। और ये भी आपको याद रखना है, मैं ऑर्डर बताया था आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको याद हो तो ये एटॉमिक नंबर है, इस तरह से बोला था W लिखो, इस तरह से W लिखा करो। ये क्या है, पहला एलिमेंट बोरोन है, बोरोन है, ये दूसरा एलिमेंट एल्युमिनियम है, ये तीसरा एलिमेंट गैलियम है और ये चौथा एलिमेंट इंडियम है और ये थैलियम है। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, यहाँ थोड़ा सा AW, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन का है, फिर सेकंड में देखो सेकंड में लेबलिंग ये थैलियम का आता है, थैलियम है, थर्ड में किसका आता है, थर्ड में आप देख रहे हो गैलियम का आता है, फोर्थ में किसका है, फोर्थ में एल्युमिनियम का आता है और फिफ्थ में इंडियम का आता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यू लिखने आना चाहिए, डब्ल्यू भी होगी स्टैंडर्ड टाइप से, ऐसे ऐसे यहाँ जाएंगे, इसको नीचे ले जाओ और फिर उसके बाद यहाँ रख लो, ये चीज आपको याद रखना है, ये बोरोन, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम और फिर आपका इंडियम। चलो आयनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड ध्यान रखना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहले देखोगे इन जनरल ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करता है, साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करता है। तो ये सब पीरियोडिक टेबल्स में बताया गया है, बट यहाँ पर एटॉमिक साइज का भी एक्सेप्शनल ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक्सेप्शनल ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का भी एक्सेप्शनल ऑर्डर लिख दिया गया है। जैसे बोरोन का पहले बोरोन का 2 होता है, एल्युमिनियम का 1.5 होता है, पहले घटेगा और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है 1.6, 1.7, 1.8, तो ये भी इररेगुलर ट्रेंड है, तो ये सबको ध्यान रखना।
डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ये भी देख लेते हो। डेंसिटी देखो लिख दिया है कि डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हम लोग जानते हैं जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड होता है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ऑफ ब्लैक कलर, और ये मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो बोरॉन होता है इसका लगभग 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म है, फिर इसका लगभग 1 एमोरफस फॉर्म है। मतलब बोरॉन का बहुत सारा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोप्स क्या होता है आप जानते होंगे, तो बोरॉन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये बोरॉन का स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म होने के कारण बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बोरॉन है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। तो ये पहला बात ध्यान रखना है कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोरॉन ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोरॉन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। गैलियम का ध्यान रखना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो कि समर सीजन में गैलियम लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। गैलियम वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण समर सीजन में क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एबव 2000 होता है। इसी कारण इसको इंडस्ट्री में थर्मोमीटर की तरह यूज करते हैं। गैलियम इज यूज एज थर्मोमीटर इन इंडस्ट्री एज इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाए, तो ये बोरॉन वाला फैक्ट ध्यान रखना है। बोरॉन वाला फैक्ट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बोला था पढ़ने के लिए चैप्टर पढ़ लिए ना, क्योंकि मैं अभी देखोगे 1.5 घंटा के अंदर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करूंगा। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा, इसलिए पहले से पढ़कर आना जरूरी है। जो भी ब्लॉक्स है उसमें टाइम कम है और इंफॉर्मेशन मैक्सिमम है, तो इसमें आपको अगर आपको सही में लर्न करना है तो आपको पहले से पढ़कर आना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टी तो पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेंज इन केमिकल रिएक्टिविटी, तो मैं पढ़ देता हूँ। ये पहला जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि बोरॉन कभी भी B3+ आयंस नहीं बनाता। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोरॉन नेवर फॉर्म B3+ आयन। B3+ आयंस फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बोरॉन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो B+ आयनाइजेशन एनर्जी 1, फिर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बी, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो B3+ आयंस बढ़ेगा, इसके लिए Ae3 एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये बोरॉन स्मॉलर साइज का है, तो Ae1 Ae2 और Ae3 का अगर सम करते हैं ना तो वो बहुत हाई होता है। और ऑलमोस्ट बताया गया है कि ऑलमोस्ट 7000 किलो जूल्स के अबाउट एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए बोरॉन कभी भी B3+ आयंस नहीं बनाता है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा करते हैं। तो यही लिखा गया, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरॉन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉर्मिंग B3+ आयन। और इसी कारण ये बोरॉन जो होता है, बोरॉन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये नेवर इट विल नेवर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी ये आयनिक कंपाउंड नहीं कोवेलेंट कंपाउंड बनाता। इसी तरह ये ध्यान रखना एल्यूमिनियम Al3+ आयंस भी रेयरली फॉर्म होता है। जैसे
थ्री प्लस आयन तो कभी फॉर्म ही नहीं होता है, एल थ्री प्लस आयन रेयरली फॉर्म होता है, रेयरली फॉर्म होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि ये नहीं होता है, जैसे बी थ्री प्लस आयन कभी फॉर्म ही नहीं होता है क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी सम ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी आर वेरी हाई, एल थ्री प्लस आयन फॉर्म होता है, कभी कभी फॉर्म होता है, बट ये रेयरली फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 5000 किलोजूल्स, बट एक जगह देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो एल्युमिनियम है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, वन एक्सेप्शन इज दैट ये भी एग्जाम में पूछा है AlF3 इज आयनिक इन नेचर, अगर AlF3 बना रहा है तो इसमें एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड क्यों आयनाइजेशन एनर्जी हाई एक्सेप्ट AlF3, AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पर AlF3 प्लस बन रहा है, तो ये बात ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम AlF3 में एल्युमिनियम AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, चाहे AlF3 हम पूछे क्वेश्चन जैसे पूछा करते हैं AlF3 हाइपोवेलेंट कंपाउंड है क्या, इट इज ए हाइपोवेलेंट कंपाउंड, टेल मी अच्छा हाइपोवेलेंट कंपाउंड है यार, अभी अभी बताए तुमको कि ये AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या Al3 प्लस और 3F माइनस में एग्जिस्ट करेगा, और हाइपोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, अगर ये Al3 प्लस बना लिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये कभी भी AlF3 आयनिक कंपाउंड होगा, ये बॉन्डिंग में भी बताया गया है AlF3 will never act as hypovalent compound and it is ionic in nature, but ये ध्यान रखना AlCl3, AlBr3 और AlI3 ये सब hypovalent compound है, क्यों hypovalent compound है, क्योंकि ये सब जो तीनों दिख रहा है ये covalent compound है, और covalent compound होने के कारण क्या है आप देख सकते हो इसके वैलेंस शेल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके हाइपोवैलेंट है, बट AlF3 विल नेवर एक्ट एज हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोवेलेंट कंपाउंड है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसके, इसलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड, क्या है समझ में आ गया, यस सर, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या सीखा कि B3 प्लस आयन कभी नहीं बनता है और ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, यही सीखा, Al3 प्लस आयन भी ऑलमोस्ट नहीं भी बनते हैं और ये भी ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं एक्सेप्ट AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है और ये Al3 प्लस आयन बना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, B3 प्लस कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये बात ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हो गया, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये BF3 देखोगे तो BF3 बोरोन के आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो BF3 एक अच्छा लीव्स एसिड है, लीव्स एसिड को किसको बोलते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर आर्क और लीव्स एसिड, तो ये बात ध्यान रखना कि BF3 एक लीव्स एसिड है क्योंकि इट बोरोन के आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए लीव्स एसिड है, और ये तुरंत क्या करता है लुईस बेस से, ये लुईस बेस है अमोनिया जैसे लुईस बेस है, ये लुईस बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है एडक्ट बनाता है, क्या बनाता है एडक्ट, ये क्या करेगा ये बोरोन के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरह का एडक्ट बनाएगा, तो ये भी एग्जाम में पूछा, क्या पूछा करते हैं कि यहाँ पर BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 है, बट ये जो एडक्ट बनाया है एडक्ट में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उल्टा हो गया, ये sp2 है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसी तरह अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, एडक्ट बनाता है इस तरह का,
इस तरह का एडक्ट बनाता है और यहां पर भी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। ये एक लीस एसिड बेस रिएक्शन है, ये लीस एसिड है और ये लीस बेस है, लीस बेस लोन पेयर देता है, लीस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, एडक्ट बनाता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन और पूछा करते हैं क्या, ये जो आपको बोरिक एसिड, ये बोरिक क्या है ना, हाँ बोरिक एसिड जो दिख रहा है, ये बोरिक एसिड, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज मोनोवेलेंट, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए मोनोबेसिक एसिड, इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट इज नॉट ए ट्राइबेसिक एसिड। हाँ आपको यहाँ पर तीन हाइड्रोजन दिख रहा है, आप ऐसा मत बोल देना कि ये जो बोरिक एसिड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक एसिड, मतलब ये एक ही H प्लस आयन देगा, ये कभी भी अपना तीन H प्लस आयन नहीं देगा। बात दिमाग खोल के सुन लो कि ये जो बोरिक एसिड है ये मोनोबेसिक एसिड है, ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, ये अपना H प्लस नहीं देता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि ये अपना H प्लस नहीं देता है, वाटर का वाटर से लेके, हाँ वाटर का OH माइनस लेता है तब ये H प्लस वाटर का ही H प्लस देता है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, अगर यहाँ पर देखोगे तो बोरोन का, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो लीस एसिड कैरेक्टर्स होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण लीस एसिड कैरेक्टर्स डोमिनेट कर जाता है और ये क्या करता है, पानी में डालने पर वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या H प्लस बाहर निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, और यही H प्लस की वजह से, ये जो H प्लस यहाँ से निकलता है इसी H प्लस के कारण ये जो बोरिक एसिड है इट एक्ट एज मोनोबेसिक एसिड, इट एक्ट एज मोनोबेसिक एसिड नॉट एज ट्राइबेसिक एसिड, ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे देखोगे रिएक्टिविटी इन एयर, रिएक्टिविटी इन एयर, हाँ तो ये बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बोरोन कभी भी क्रिस्टलाइन बोरोन कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बोरोन का जो एमोर्फस फॉर्म होता है, यही केमिकल रिएक्शन करता है। क्रिस्टलाइन बोरोन नेवर डू केमिकल रिएक्शन, ओनली एमोर्फस बोरोन विल डू द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। और ये भी बताया डू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो बोरोन इन जनरल इस फैमिली का केमिकल रिएक्शन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगा, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या M2O3 टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, M2O3 का टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, जैसे B2O3, जैसे Al2O3, जैसे Gallium O3, इसी तरह का कंपाउंड बनाएंगे। हाँ ये बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं ना ये एसिडिक नेचर्स के होते हैं और ये दोनों जो होते हैं एम्फोट्रिक नेचर्स के होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो थैलियम और इंडियम के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक नेचर। तो ये बात ध्यान रखना, ये एसिडिक नेचर, ये दोनों एम्फोट्रिक नेचर और नीचे में बेसिक नेचर। उसके बाद क्या है, हाँ एक चीज और, एयर, एयर मतलब क्या नाइट्रोजन भी है, तो ये जो मेटल्स है, मेटल्स मेनली आपका एल्यूमिनियम और बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्राइड बनाते हैं, ये नाइट्राइड बनाते हैं, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, इसे एल्यूमिनियम भी नाइट्राइड बनाते हैं। तो
सो ये ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता डिफरेंट ऑक्साइड बनाते हैं, कौन बेसिक नेचर्स का है कौन एसिडिक नेचर्स का, ये बात दूसरा ध्यान रखना है। तीसरा बात मेटल्स, तीसरा बात ये जो फैमिली है बोरॉन फैमिली है नाइट्रोजन के साथ, बोरॉन फैमिली का मेनली क्या एल्युमिनियम और बोरॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्राइड बनाते हैं, और ओनली आपको बोरॉन और एल्युमिनियम का नाइट्राइड को ध्यान रखना है, रिमेनिंग नाइट्राइड को ध्यान नहीं रखना है। तो ये जो आपका जो भी फैमिली है बोरॉन फैमिली हाइलोजन जो भी ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक्स में आपको सब चीज पढ़ना ही रहता है। इसका पढ़ाई देखोगे तो ब्लॉक्स में देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट बोलते हैं उसको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट मतलब बोल दिया मतलब वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है और वो बार बार पूछते हैं, उसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप बुक खोलोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, सबको पढ़ोगे अल्टीमेटली आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए ब्लॉक्स में थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम बार बार पढ़ेंगे, उसको हम बार बार पढ़ेंगे उससे ज्यादा बेनिफिटेड होगा। फिर रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज, इसको मैं पढ़ देता हूं, उतना कुछ है नहीं। बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बोरॉन तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं एसिड और अल्कलीज के साथ। एल्युमिनियम हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एम्फोट्रिक नेचर का है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। इससे रिएक्ट कर क्या बनाता है, इससे रिएक्ट कर क्या बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये ध्यान रखना है। और साथ साथ क्या करता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। HCl के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है AlCl3+ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो एल्यूमिनियम इज एम्फोट्रिक इन नेचर, क्यों एम्फोट्रिक इन नेचर, क्योंकि इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ये एसिड के साथ भी रिएक्शंस करता है बेस के साथ भी रिएक्शंस करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, इसलिए ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है। एक चीज और, ये भी ये तो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाई एल्युमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। रीजन सुन लो अच्छी तरह से, क्योंकि एल्युमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखो एल्युमिनियम बिकम पैसिव मींस इट विल नॉट डू केमिकल रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम के ऊपर एक Al2O3 का लेयर बन जाता है, Al2O3 का लेयर बन जाता है, इसके कारण ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये बात ध्यान में दिमाग में बसा लो, क्या एल्युमिनियम डू नॉट एल्युमिनियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शंस विद HNO3, वो क्यों, एज इट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो रिएक्शंस विद एयर समझ में आ गया, रिएक्शंस विद एसिड बेस समझ में आ गया, उसके बाद रिएक्शंस विद क्या हैलोजन, तो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, ये इस तरह जैसे मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएंगे MX3 टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर X क्या हो सकता है, X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हो सकता है। यहाँ पर मेटल्स क्या क्या हो सकता है, ये जो M दिख रहा है ये भी आपका बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। एक बात ध्यान रखना कि थैलियम कभी भी TLX3 नहीं बनाता है, क्यों TLX3 नहीं बनाता है, ये हमेशा TLX बनाता है, क्यों बताओ, एनीवन रीजन सर, थैलियम +1 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट शो करेगा इसीलिए। हां बिल्कुल, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम हैज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रदर देन ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए थैलियम हमेशा +1 का कंपाउंड बनाना प्रेफर करता है। जैसे अभी बोले थे ना कि जैसे थैलियम ये कंपाउंड रेयरली नहीं बनता, थैलियम क्या TLO के फॉर्म में करता है, TL वैलेंसी इसका 1 और इसका 2, TL2O, थैलियम हमेशा TL2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, TL2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो रीजंस क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट,
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल. नाउ कमिंग ऑन केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन्स. केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन्स देखो, बोरॉन का भी हम कंपाउंड पढ़ने वाले हैं. बोरॉन का दिमाग में बैठा लो कि बोरॉन का कौन कौन सा कंपाउंड पढ़ना है आपको. बोरॉन फैमिली में वही बोरॉन का कंपाउंड पढ़ना है और एल्युमिनियम का कंपाउंड पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है. बोरॉन का कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला पहला पढ़ना है बोरेक्स पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोरेक्स. दूसरा क्या पढ़ना है, बोरिक एसिड पढ़ना है. तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा कंपाउंड क्या पढ़ना है इसका. देखोगे तो तीन ही, एक तो बोरिक एसिड, हाँ एक ये भी डाइबोरेट, हाँ डाइबोरेट, यही तीन कंपाउंड आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. इसी तरह एल्युमिनियम में, दो ही कंपाउंड पढ़ना है, एक क्या AlCl3 और दूसरा क्या Al. इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ोगे ब्लॉक खत्म, बोरॉन फैमिली खत्म. तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से लिखा गया है, आप उसको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है. तो चलो हम बोरेक्स से हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले ध्यान रखना. Na2B4O7, ये समझा. इसमें देखो ये बोरेक्स क्या है, बेसिकली एक सॉल्ट है. ये सॉल्ट है, कैसे बना होगा सॉल्ट कैसे बनता है, NaCl कैसे बनता है. एसिड और बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है. Na+ बेस से आता है, Cl- एसिड से आता है. इसी तरह ये कैसे बना होगा, जब आपका NaOH और ये इसको क्या बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड. क्या बोलते हैं, टेट्रा. ये सब कॉपी में लिखा हुआ है. टेट्राबोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है ये आपका सॉल्ट बनता है, B4O7. इसको ध्यान रखना, B4O7 2- को कौन सा आयन बोलेंगे, टेट्राबोरेट आयन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, टेट्राबोरेट आयन. इसी तरह ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, तो बोरिक एसिड. बोरिक एसिड इसी तरह इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे बोरेट आयन. हाँ इसको बोरेट आयन बोलेंगे. इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरेट आयन. मेटाबोरेट आयन जैसे इसको टेट्राबोरेट आयन, इसी तरह इसका मेटाबोरेट आयन, इसको बोरेट आयन. ये सब ध्यान रखना है आपको. तो ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स इज बेसिकली ये सॉल्ट, इट इज सॉल्ट. और इसमें आप जान रहे हो कि Na+ केटायंस, Na+ जो केटायंस है ये बेस से आ रहा है, और ये एनायन जो बोरेट आयन है, ये जो टेट्राबोरेट आयन है, ये आपका एसिड से आ रहा है. चलो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला देखोगे ना, तो ऐसा है Na2B4O7.10 water. ये दिस वन इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको ध्यान में रखना है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसको इस तरह से ध्यान रखना, B4 OH4 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. B4 OH4 और ऑक्सीजन 5 कर देना, और बाद में इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस हो गया, .8 water. हाँ इसका स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या करना है, चार बोरॉन. इसका देखो एनायन फॉर्म क्या होगा, अगर केटायन फॉर्म है तो अगर एनायन फॉर्म देखोगे तो इसका 2- कर दूंगा, ये इसका एनायन फॉर्म हो जाएगा. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, चार बोरॉन रख दो, कितना OH है, 4 OH है, तो चारों OH को ऐसे रख, चारों बोरॉन पर OH रख दो, रख दिए, 5 ऑक्सीजन है तो सब के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दो, हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया.
एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, पांच ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को यहाँ रखते, एक ऑक्सीजन को यहाँ रखते ही इस बोरोन के ऊपर माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरोन चार बॉन्ड बनाया है, ये बोरोन तीन बॉन्ड बनाया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन होता है कि इस ये बोरेक्स में, बोरेक्स में नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड, तो कितना बीओबी बॉन्ड है बताओ देखकर, पांच, पांच बीओबी बॉन्ड है, एक दो तीन चार और ये पांच, नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड कितना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बीओ बॉन्ड, दो बीओ बॉन्ड, तीन बीओ बॉन्ड, चार बीओ बॉन्ड, पांच बीओ बॉन्ड, छह बीओ बॉन्ड, सात बीओ बॉन्ड, आठ बीओ बॉन्ड, नौ बीओ बॉन्ड, दस बीओ बॉन्ड और ग्यारह बीओ बॉन्ड, बारह बीओ बॉन्ड, बारह बीओबी बॉन्ड है। बीओबी बॉन्ड कितना है, चौदह आ गया, ये कैसे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह ठीक है, चौदह। इसी तरह ये भी पूछते हैं कि इसमें ये बोरोन का, ये दोनों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 है, बट ये बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चौथा इंफॉर्मेशन क्या पूछ सकते हैं कि इसमें कितना रिंग बन रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो ऑक्सीजन है ना इसको ऊपर है तो कितना रिंग बनेगा, एक रिंग तो हमको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा रिंग ये दिखाई दे रहा है, तो दो रिंग बन रहा है, कितना मेंबर का, छह मेंबर का दो रिंग बन रहा है, तो ये भी बात ध्यान रखना। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स आर वेरी, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो लिखा हुआ है, आप उसको एक बार जरूर पढ़ ले। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज ध्यान रखना कि ये जो बोरेक्स होता है, ये बोरेक्स क्या होता है ना, इट इज अ वाइट पाउडर और ये इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड पानी के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, हॉट पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। हॉट पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि कोल्ड पानी के अंदर वाटर के जो अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बहुत हाई होता है, बट जैसे ही पानी गर्म करोगे तो एक्सटेंट ऑफ वाटर, एक्सटेंट ऑफ बैक, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर डिक्रीजेस, इसलिए इस कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस टू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीन। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो बोरेक्स है, ये जो बोरेक्स आप देख रहे हो, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस मेनली करने पर क्या होता है, हम हाइड्रोलिसिस किसी का भी हाइड्रोलिसिस है तो ये केटाइन पार्ट है, ये एनायन पार्ट, ये केटाइन पार्ट है, एनायन पार्ट है, वाटर में भी केटाइन पार्ट है, एनायन पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस में क्या करोगे, केटाइन को एनायन दे दो तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। इसी तरह इस एनायन को केटाइन दे दो तो केटाइन देने पर क्या बनेगा, H2B4O7। ये ध्यान रखना, ये कभी भी टेट्राबोरिक एसिड में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, NaOH और बोरिक एसिड बनता है। तो बोलोगे कि अभी जो कॉन्सेप्ट लगा रहे उसमें तो टेट्राबोरिक एसिड बन रहा है, ये टेट्राबोरिक एसिड आपने पानी तो एक्सेस में लिया है ना, तो टेट्राबोरिक एसिड वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, बोरिक एसिड बना लेते हैं, बोरिक एसिड बना लेते हैं। उसका रिएक्शन देखो कैसे मैकेनिज्म होता है, अगला पेज में दिखा गया है। चाहिए मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो Na2B4O7 है पानी के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनाते हैं, पहले देखो ये क्या उठाएगा, OH उठाएगा, 2NaOH बनाएगा, प्लस क्या करेगा, प्लस क्या बना लेगा, H2B4O7। इसी को बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। रिएक्शन को बैलेंस करो, चार हाइड्रोजन तो यहाँ पर टू कर देता हूँ। अभी क्या होगा ना, ये जो टेट्राबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, ये पानी के साथ फर्दर कितना मोल, 4 मोल, आई थिंक तो 4 मोल वाटर, फाइव मोल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, बोरिक एसिड बना लेता है।
इसलिए बोरिक एसिड बना लेता है, बोरिक एसिड बना लेता है वो भी फोर। ये ध्यान रखना है टेट्रा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टेट्रा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब क्या करो, सबके बीच ऑक्सीजन दो और लास्ट में दो ओएच डाल दो, हो गया टेट्रा बोरिक एसिड। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, आप अल्टरनेटिवली इसको तोड़ेंगे, इसको OH देंगे और इसको H देंगे, इस तरह से इसको भी तोड़ेंगे, इधर OH देंगे इसको H देंगे, इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे, इधर OH देंगे इसको H देंगे। और यहाँ पर ये तो अभी हुआ चार, और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, एक बोरॉन यहाँ पर देना पड़ेगा, ऐसा है कुछ। क्योंकि ऑक्सीजन सेवन है, आपने कितना ऑक्सीजन यूज किया था, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो इस तरह का क्लिप करोगे ना तो ये बोरिक एसिड बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड नहीं बनता है, टेट्राबोरिक एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस NaOH। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस NaOH इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज एक्शंस ऑफ हीट, एक्शंस ऑफ हीट तो वो भी इम्पोर्टेंट है, एक्शंस ऑफ हीट, तो इसको एक्शंस ऑफ हीट को पढ़ो थोड़ा सा। आप लोग को जो नोट्स दिया हूँ पढ़कर आया है ना? यस सर। यस सर। तो समझ में भी आ रहा होगा? यस सर। चलो ओके। तो ये नोट्स जो दिया गया है इसको बार बार पढ़े, मैं तो आपको समझाने में हेल्प कर सकता हूँ, अल्टीमेटली आपको याद करना पड़ेगा, आपको चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या क्या सर, एनसीईआरटी में जो डाटा है वो भी नोट्स में ही है ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तो आप नोट्स को पढ़ लो, नोट्स को पढ़ लेते, इवन नोट्स में जो है ना डाटा दिया हुआ वो ज्यादा एनसीईआरटी से भी ज्यादा। हाँ सर, एनसीईआरटी में नहीं है वो स्ट्रक्चर जो आप कराया, वो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, नहीं। नोट्स में। हाँ तो नोट्स में एनसीईआरटी से लेवल अप रखा गया, तो अगर ये नोट्स पढ़ लेते हैं, देखो 10 तरह का रिएक्टेंट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खास करके बोलता हूँ, या कोई भी सब्जेक्ट की 10 तरह का नोट्स प्रीफर करने की कोशिश मत करो, एक ही नोट्स को 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओ, ये स्मार्ट काम होगा। ऐसा नहीं कि हम ये ब्लॉक्स के लिए, बोरॉन फैमिली के लिए हम 5 बार पढ़ रहे हैं बट 5 डिफरेंट बुक पढ़ रहे हैं, वो गलत पढ़ाई है। नोट्स को ही 5 बार पढ़े, 6 बार पढ़े, एक एक चीज आपको दिमाग में बस जाना चाहिए। अभी तो टाइम भी बहुत इनफ है, तो इसलिए पूरा जो ब्लॉक पढ़ा रहे हैं उसको बार बार पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे एनसीआर जितना नोट्स में हम दे दिए, आपका आपका एनसीआरटी बुक में उतना होगा भी नहीं। तो हमेशा जो नोट्स में चीजें मेंटेन किया गया, हमेशा उसका लेवल अप रहता है। चलो तो एक्शन ऑफ हीट देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो इसमें जो है ना एक्शन ऑफ हीट बोरेक्स बीप टेस्ट बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोरेक्स बीप टेस्ट। जैसे जो बच्चा 11th क्लास में लेबोरेटरी जाता है तो उसको ये बोरेक्स बीप टेस्ट कराया जाता है। ये मेनली क्या करता है, बोरेक्स बीप टेस्ट का
केटायन, एक सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में केटायन होता है और एनायन होता है। तो सॉल्ट में केटायन, केटायन को पहचानने के लिए बोरेक्स भी टेस्ट कराया जाता है। सॉल्ट में केटायन को पहचानने के लिए, एक सॉल्ट में कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है इसको पहचानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। तो ये केटायंस को टेस्ट करने के लिए, केटायंस को पहचानने के लिए हम क्या कराते हैं, बोरेक्स भी टेस्ट कराते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, देखो क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब भी हम बोरेक्स पाउडर को, बोरेक्स पाउडर क्या है, एक व्हाइट कलर का पाउडर आता है, आप मार्केट में भी जाओगे तो ये बोरेक्स मिलता है। तो बोरेक्स पाउडर इज हीटेड, पहले क्या करता है वो स्वेल्स कर जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, पानी निकलने के कारण वो फूल जाता है। और बट जब उसको हाईर टेम्परेचर पर हीट करोगे ना तो ये क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू कलरलेस ग्लासी बीड्स। ये क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पहले क्या, Na2B4O7 .10 वाटर को हीट करेंगे, पहला ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज करेगा और क्या बनाएगा, Na2B4O7 बनाएगा। इसको जब आप फर्दर हीट करोगे, क्योंकि हमको 740 डिग्री पर हीट करना पड़ता है, जब इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनाता है, B2O3 बनाता है, B2O3। यही इसी B2O3 को फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनता है। और प्लस साथ ही साथ क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। अभी मैं बताया हूं किसको बोलते हैं, मेटाबोरेट आयन, सोडियम मेटाबोरेट आयन को नाम का। तो बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, नीचे लिख दिया गया है, बोरेक्स बीड टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बोरेक्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स, मेटल्स का नाम ध्यान रखना है, कॉपर आयन, Cu2+ आयन, कोबाल्ट आयन, निकेल आयन, क्रोमियम आयन, ये सबके साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, एक कलर, कलर ऑफ मेटल बोरेट आयन बनाता है। और एक पर्टिकुलर कलर, जैसे होगा ना कॉपर आयन के साथ, कॉपर के साथ, कॉपर आयन के साथ एक डिफरेंट कलर का ग्लासी बीड बनाएगा, क्रोमियम आयन के साथ डिफरेंट कलर का ग्लासी बीड बनाएगा। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर का ग्लासी बीड बनाता है, तो अगर मान लो कि ब्लू कलर का आ गया तो हम बोलेंगे, इसको याद करना पड़ता है, ब्लू कलर का आ गया तो हम बोलेंगे कि उसमें जो मेटल्स होगा कॉपर होगा। इसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट के अंदर केटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोरेक्स बी टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में वहां पर नीचे दिया गया होगा, कॉपर के साथ, कॉपर, कॉपर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, पहला रिएक्शन तो यही दिया होगा, दूसरा रिएक्शन क्लासी बीड बनाया B2O3 का, थर्ड रिएक्शन कराओगे, ये जो B2O3 है, B2O3 आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, एक ग्लासी बीड बनाता है, CuO B2O3, और ये मिली क्या, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर मिलते ही मेरे दिमाग में चल जाता है क्या, कि जरूर उस सॉल्ट के अंदर कॉपर आयंस होगा। इसी तरह कोई दूसरा कलर आएगा तो हम बोलेंगे डिफरेंट मेटल का कुछ और होगा। इसी तरह हम किसी सॉल्ट के अंदर, किसी भी सॉल्ट के अंदर केटायंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ये कॉपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपर वाला तो एटलीस्ट याद ही रखना है आपको, इसलिए वो लिखा गया है। यूजेस देख लीजिएगा, यूजेस क्या है एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का सबसे पहले प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑर्थोबोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। और ये भी बता चुका हूँ ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोनो बेसिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, मोनो बेसिक एसिड है। और ये अपना H+ नहीं देता है, ये वाटर का H+ दे देता है, वाटर से OH- लेकर वाटर का H+ देता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये मोनो बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड नहीं। इसका प्रिपरेशन सबसे पहले प्रिपरेशन हम बोरेक्स से ही करते हैं, Na2B4O7, इसी का भी हाइड्रोलिसिस कराए थे ना, याद है ना, हाइड्रोलिसिस 7 वाटर के साथ कराए थे। तो ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पर मेटा, यहाँ पर टेट्राबोरिक एसिड नहीं बनाना, टेट्राबोरिक एसिड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है, H3BO3 बनाता है, H3BO3 बनाता है प्लस NaOH बनाता है। तो इस
इसका रिएक्शन अगर हम जैसे इसका रिएक्शन को H2SO4 के साथ कराया ना, तो आपको क्या करना है, देखो कैसे रिएक्शन होगा, इसका कैटायन और इसका एनायन बना दो सोडियम सल्फेट, फिर इसी तरह हम जानते हैं इसका एनायन और इसका कैटायन को मिला, इसका कैटायन एनायन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टेट्रा बोरिक एसिड बनेगा, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेता है H3, फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेता है H3BO3 बना लेता है। अभी इसका ये तो बताया था ना H2B4O7 का हाइड्रोलिसिस बताया था, ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेता है H3BO3 बना लेता है। चलो तो एक पहला बोरेक्स से बनाना आप सीख जाओगे, अगर बोरेक्स का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका बोरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह दूसरा है कोलेमिनाइड से रिएक्शन, क्या कोलेमिनाइड, कोलेमिनाइड के साथ रिएक्शन, कोलेमिनाइड किसको बोलते हैं Ca2b6O11, याद करना पड़ेगा कोलेमिनाइड बोलते हैं, कोलेमिनाइड इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ B2O3, यही है आपका कोलेमिनाइड है। तो कोलेमिनाइड क्या बोला गया उसको पढ़ लीजिए कि जब भी पाउडर कोलेमिनाइड इज सस्पेंडेड इन वाटर एंड एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे और जब उसको फिल्टर करने के बाद कूल करते हैं तो क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड इज ऑब्टेंड। नीचे रिएक्शंस भी लिखा गया है, आप उसको देख लीजिएगा, नीचे रिएक्शन लिखा गया है, ये जो कोलेमिनाइड आपको दिखाई दे रहा है इस कोलेमिनाइड का रिएक्शन, उसके अंदर कोलेमिनाइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं, एक्वस कोलेमिनाइड के अंदर क्या करते हैं हम, एक्वस कोलेमिनाइड के अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पास करने के बाद क्या होता है कैल्शियम का, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, इसका नाम क्या होगा बताओ, HSO3O2 कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, सल्फाइड IT सल्फाइड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा बोरिक एसिड बनाएगा। तो ये कोलेमिनाइड से भी हम बना सकते हैं, हम बोरेक्स से भी इसको बना सकते हैं, तो ये दो ही प्रिपरेशन से आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में आ जाओ, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ, पहला प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ क्या, ये मोनो बेसिक एसिड है, ट्रा बेसिक एसिड नहीं है, तो उसको एक बार पढ़ लेना है। आगे देखो, हाँ ये भी देखो, अगला इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं, ध्यान में रखना है क्या, ये जो बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड का जब भी NOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NaBOH होल फोर, ये जेई जैसा एग्जाम में पूछ चुका है तो इसको ध्यान रखना है। तो ये बोलता है ये रिएक्शन इन ऑर्डर टू मूव दिस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हमको क्या करना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको सिस डायोड से रिएक्शन कराना पड़ेगा, सिस डायोड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। जैसे इसके दिया गया है क्या कैसे कोस, ये क्या है, ये एक सिस डायोड है, ये क्या है, एक सिस डायोड है, कैचो कोस बोलते हैं, इस कैचो कोस का रिएक्शन ये जो आप देख रहे हो BOH OH 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 ऐसा है, इसके साथ रिएक्शन जो देख रहे हो आप क्या होता है, इधर भी एक कैचो कोस सिस डायोड से जब ये रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना दे, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसी कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेबिलिटी बढ़ गया ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन इन द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिस डायोड से, सिस डायोड जैसे इससे रिएक्शन कराएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगा। चलो तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या
हीटिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ये याद ही रखना है, क्या याद रखना है कि जब हम बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट कराते हैं, एक पानी लूज कर देता है, क्या बनाता है मेटाबोरिक एसिड। सो क्या बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। और इस मेटाबोरिक एसिड को, अच्छा ये मेटाबोरिक एसिड होगा ना, मेटाबोरिक एसिड को अगर आप टेम्परेचर के साथ एग्जाम में पूछता है 100 डिग्री पर मेटाबोरिक एसिड, 160 डिग्री पर, तो इसी का 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बना देता है टेट्राबोरिक एसिड। ये अभी बता रहा था टेट्राबोरिक एसिड बना देता है, ये टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह अगर आप रेड हॉट तक हीट करोगे, पूरा गर्म करोगे, रेड हॉट हीट करोगे, ये जो टेट्राबोरिक एसिड है ये आपका बोरिक एनहाइड्राइड में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखिएगा 100 डिग्री पर मेटा अगर 160 हीट कर दिए तो टेट्राबोरिक को रेड हॉट पूरा लाल होने तक गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड। तो हीटिंग इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ता हूं मैं। ऑर्थोबोरिक एसिड इज ग्रीसी टू टच, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इंफॉर्मेशन है, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, होना भी चाहिए। हॉट वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज होने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होता है बढ़ जाता है। फिर ये बोला गया है कि BOOH3 यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रीन डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसलिए अंडरलाइन कर दिया गया, टू डायमेंशनल शीट लाइक हेक्सागोनल सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना, ये जो बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड कॉपी में अच्छी तरह से बनाया गया है, ये जो बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, अगर ये जो बोरिक एसिड है ये डिफरेंट बोरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर एक 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो जो देखोगे ना हेक्सागोनल यूनिट उसमें होगा, हेक्सागोनल यूनिट होगा। तो आप देखोगे जो कॉपी में बनाया गया है डिफरेंट हेक्सागोनल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होता है। तो क्या ये जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड क्या करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के साथ कंबाइन करकर एक 2-dimensional sheet like structure बनाता है, और उस different different unit के बीच देखोगे hexagonal symmetry होगा। तो ये point दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद test of borate radicals ये भी एग्जाम में पूछा गया है, test of borate radicals। तो क्या करते हैं देखो कि जब भी orthoboric acid को heat करते हैं ethanol विद इथानॉल, तो क्या होता है एक ग्रीन क्या है एज फ्लेम मिलता है, ग्रीन एज फ्लेम मिलता है। रिएक्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ये बोरिक एसिड का रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल से कराते हैं। इथाइल अल्कोहल से कराने के बाद क्या होता है, ये जो बन रहा है इसका 3 मोल लेना पड़ेगा, ये जो बन रहा है इसी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इथाइल ऑर्थोबोरेट बोलते हैं। इसी इथाइल बोरेट का जो कलर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन। ये जो इथाइल ऑर्थोबोरेट है ये ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। अगर आपका ग्रीन फ्लेम के साथ जलता हुआ कंपाउंड मिल गया जरूर वो क्या होगा बोरिक एसिड होगा। तो इसी से बोरो हम लोग टेस्ट करते हैं, यूजेस को देख लीजिएगा, उसके बाद हम डायबोरिन अभी बता रहे हैं। एक बार डायबोरिन को पढ़ो थोड़ा।
अभी आपका बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली थोड़ा बड़ा है, कार्बन फैमिली देखोगे कल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कार्बन फैमिली में वन भी इम्पोर्टेंट क्या है देखोगे, जो टाइम लेगा दैट वन इज सिलिकेट एंड सिलिकॉन, ये टाइम लेगा और कार्बन फैमिली तुरंत खत्म हो जाएगा, उसमें कंपाउंड कम है। फिर उसके बाद देखोगे नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा टाइम लेता है, नाइट्रोजन फैमिली तो कल ही, कल एक और एडिशनल क्लास भी है तो कल ही होप सो नाइट्रोजन फैमिली शुरू हो जाए। अगर कल नाइट्रोजन फैमिली शुरू हो जाता है तो आपका नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट मंडे को नाइट्रोजन फैमिली ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट ट्यूजडे को ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन फैमिली और नोबेल गैस फैमिली, ये सब खत्म करने में हमें लगता है कि दो क्लास लगेगा, तो पूरा ये पूरा जो पी ब्लॉक है आपका ओवर हो जाएगा। और पी ब्लॉक खत्म होते होने के बाद देखो फिर क्या शुरू करते हैं, चलो उसके बाद देखो हम लोग डाई बोरेन आ जाते हैं, डाई बोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, D2S6, इसी को डाई बोरेन बोलते हैं, डाई बोरेन बोलते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशंस मेथड है, तो प्रिपरेशंस मेथड देख लीजिएगा, ये BF3 का जब भी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, BF3O वहां पर लिख दिया गया, BF3O, BCl3O, BI3O, कुछ भी BBr3O, किसी के साथ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ लिथियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, लिथियम इसका एनायन को उठाएगा, लिथियम फ्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाएगा, और बोरॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन लेकर डायबोरेन बना देगा, बोरॉन क्या करेगा, डायबोरेन बना देगा। तो ये पहला रिएक्शन देख लीजिएगा। इसी तरह अगर आप आयोडीन का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराओ, ये क्या होता है NaH+Bs3, तो क्या करता है, सोडियम सोडियम आयोडीन को साथ कंबाइन करके सोडियम आयोडाइड बना लेता है और दूसरा डायबोरेन बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना। तीसरा दो ही है ना, हाँ एक और BF3 का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दो तो ये भी क्या करेगा, इसका केटायन इसका एनायन उठा लेगा और सोडियम फ्लोराइड बना लेगा और ये बोरोन इसका हाइड्रोजन उठा लेगा और डायबोरेन बना लेगा। तो ये तीन प्रिपरेशन मेथड डायबोरेन का ध्यान रखना है, डायबोरेन का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन लिखा गया है उसको पढ़ लीजिए एक बार, कि इट इज ए कलरलेस ग्लास एंड हाईली रिएक्टिव। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना नहीं है, बता दिया गया कि 183 केल्विन होता है। इट कैचेस फायर, फिर वहां पर देखो लिखा गया इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली एंड एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शंस विद ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो आपका डायबोरेन है, डायबोरेन ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, बोरोन, इसको क्या बोलते हैं बोरो, दिस वन इज D2O3 को क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, बोरिक एनहाइड्राइड प्लस H2O और इसमें बहुत सारा हीट निकलता है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर ये एक अगला पॉइंट बोला गया है, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया, इट कैचेस फायर जब इसको हम खुला में छोड़ेंगे तुरंत एयर के साथ रिएक्ट कर बोरिक एनहाइड्राइड के साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि मिक्सचर ऑफ डायबोरेन एंड ऑक्सीजन इनफ्लेम स्पॉन्टेनियसली, तुरंत जल जाता है ये तो पता ही है, and producing large amount of heat, highly exothermic reactions है, कोई लिखा गया है। इसी कारण बोला गया है कि B2S6 has high heat of conduction, heat of combustion जो होता है ना, heat of conduction per unit weight जो होता है इसका high होता है, इसी कारण इसको rocket fuels में use होता है, rocket में जो आपका fuels भरा जाता है उसमें इसका diaborate का use किया जाता है,
क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाई होता है और साथ साथ ये रिएक्ट कर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए रॉकेट सेल्स में हम लोग डायबोरेंस का यूज करते हैं। दूसरा है इसका हीटिंग इफेक्ट। जब आप डायबोरेन का हीट करोगे ना तो ये बोरोन प्लस हाइड्रोजन में टूट जाएगा, तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिएक्शन की तो वाटर, तो वाटर के साथ तो रिएक्शन आपको समझ में आता होगा, ये क्या है, ये डायबोरेन है, ये जो डायबोरेन है वाटर के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या करोगे, वाटर का एच प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पर बोरोन पर प्लस हाइड्रोजन पर माइनस, तो बोरॉन क्या करेगा OH उठाएगा, कैटायन इसका एनायन उठाएगा, क्या बनाएगा बोरिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा बोरिक एसिड बनाएगा, प्लस इसका कैटायन इसका एनायन क्या बना देगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाँ, मेन जो क्वेश्चन इसमें पूछा करते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज हो गया, दूसरा इनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, देखो ये जो BH3 है, BH3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp2 है, जब ये BH3 डाइमराइज होता है तो क्या बनाता है B2S6 बनाता है, डायमर बनाता है, ये BH3 का स्ट्रक्चर है, BH3 का ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो डायबोरेन है तो डायबोरेन में यहाँ ध्यान रखना क्या, दो बोरोन इसके पास 6 हाइड्रोजन है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये BH बॉन्ड और इसका BH बॉन्ड, ये दोनों डाइमर बनाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है ना, स्पॉन्टेनियसली या मोमेंटरली क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कभी यहां पर आपको दिखाई देगा, कभी यहां पर दिखाई देगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं यहां से यहां तक टोटल दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, कभी दो इलेक्ट्रॉन इस BH के भी दिखेगा, कभी ये दो इलेक्ट्रॉन इस दोनों BH के बाद दिखेगा। इसी तरह नीचे भी देखोगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है इस BH बॉन्ड में, कभी आपको यहां दिखाई देगा, कभी मोमेंटली आपको यहां पर दिखाई देगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि BH के बीच इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये दूसरा BH के बीच ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, दूसरे कोई मोमेंट पर अगर मान लो कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर दिखाई दे रहा है, तो उसी टाइम देखोगे तो इन दोनों BH के भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, चलो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, बिल्कुल थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ थ्री सेंटर क्यों, क्योंकि इसमें बोरॉन एक एटम मतलब उसका न्यूक्लियस, उसका कुछ ना कुछ सेंटर, एक सेंटर यहाँ पर इस बोरॉन का सेंटर, एक हाइड्रोजन का सेंटर और ये बोरॉन का सेंटर, इसलिए इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है, और ये जो मैं बनाया हूँ एक तरह से बनाना है, बनाना केला, तो इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है। ये इसको, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन देख रहे हो इन दोनों बोरॉन को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये ब्रिज बॉन्ड भी बोला जाता है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं डायबोरेन का स्ट्रक्चर, तो ध्यान में दिमाग में बैठा दो, इसको बनाना बॉन्ड ही बोलते हैं, इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बोलते हैं, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो देखो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, टर्मिनल, डायबोरेन में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन में देखोगे तो 4 हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड देखोगे ना,
तो इसको हम लोग बोलते हैं दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का सेंटर और एक बोरॉन का सेंटर। तो इसमें देखोगे तो एक दो तीन चार, चार चार ये चार जो देखोगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इस डायबोरेन में चार टू सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और दो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें क्या पूछते हैं कि इसमें जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp3 है, बोरेन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डायबोरेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये जो बोरेन है ये bs3 है, डायमराइज करके डायबोरेन बनाया, डायबोरेन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इस बोरॉन का पार्टिकुलर मोमेंट पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये ऐसा नहीं कि डायबोरेन बन गया और ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये सोचना गलत है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये BS3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह डायबोरेन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है क्योंकि मोमेंटरली बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो टर्मिनल ये जो हाइड्रोजन रहना है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ब्रिज हाइड्रोजन कुछ ऐसा है, ब्रिज हाइड्रोजन को हम उठाकर ऐसे रखें, ये ऊपर है ऊपर, और ये जो दिख रहा है एचबी ये बोर्ड के अंदर है। मतलब हम बोलेंगे इस डायबोरेन में टोटल ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कहीं पर इस तरह का इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी दिखा रहा है। क्या ये बोरॉन, दूसरा बोरॉन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन, और ये जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन के बाहर है, ये ऐसा है कुछ, और ये जो देख रहे हो ये क्या है, प्लेन के अंदर है। मतलब मैं अगर पूछूं कि डायबोरेन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो क्या बोलोगे? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कितने एटम्स एक प्लेन में लाए करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी एटम्स लाइज इन सेम प्लेन इन डायबोरेन। तुम बोलेंगे देखो काम करो, नहीं सिक्स सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल सिक्स एटम्स लाइज इन सेम प्लेन, ये प्लेन के बाहर ए प्लेन के अंदर। इसमें कितने कितने दो सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो बोलेंगे चार, कितने थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो बोलेंगे दो। तो ये सब इंफॉर्मेशन पूछा करते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये भी ये जो BH बॉन्ड का लेंथ बॉन्ड लेंथ है ना, ये भी पूछना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी देखो कॉपी में लिखा गया है, इस BH बॉन्ड का लेंथ जो होता है दैट वन इज 1.34 पिकोमीटर्स, और ये जो टर्मिनल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है दैट वन इज 1.22 ये जो है ना 1.19 पिकोमीटर, और ये 1.34 पिकोमीटर्स होता है। जो कहने का मतलब ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड होते हैं ये शॉर्टर होते हैं और ये जो ब्रिज BH बॉन्ड होते हैं ये लॉन्गर होते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है, ये जो बॉन्ड एंगल जो आप देख रहे हो ये 97 डिग्री है। तो ये सब टोटली इंफॉर्मेशन फैक्ट रिलेटेड चीज है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज और, ये जो डायबोरेन, मैं बोला कि डायबोरेन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर दो तरह का क्लीवेज होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो ये भी जो क्लीवेज रिलेटेड प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछा हुआ है तो आप भी दिमाग में रखिए, इसका दो तरह का क्लीवेज होता है। कॉपी में देखोगे अगर इस तरह का क्लीवेज हो गया तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। जब भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो क्या होगा, BH2+, और इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा BH4-, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है।
अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो ऐसे होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज से क्या बनता है, डीएस3 बनता है, देख रहे हो ना। अगर ऐसे क्लीवेज होगा तो ये बोरोन 3 हाइड्रोजन इधर, उस साइड भी बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो दो तरह का क्लीवेज होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। जो देखो वहां पर लिखा गया है कि जेई में क्वेश्चन पूछा गया स्मॉलर एमीन लाइक अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, नहीं टर्शियरी एमीन के साथ ऐसा नहीं होता है, एनसीईआरटी बुक में भी ये लिखा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, एमीन अमोनिया प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, मतलब डायबोरेन का जब भी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ तो ये हमेशा क्या करेगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। जब भी इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है तो क्या BH2+ बनता है और BH4- बनता है, अभी बताएं फिर, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, कैसे बनाता है कॉम्प्लेक्स, BH2 ये दो अमोनिया, ये इसका केटायंस पार्ट हो गया और एनायन पार्ट तो BH4- है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये जो ये देख रहे हो ना, ये या तो अमोनिया हो सकता है, या तो प्राइमरी एमीन हो सकता है, या तो सेकेंडरी एमीन हो सकता है, ये कभी भी आपका टर्शियरी एमीन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। टर्शियरी एमीन हमेशा सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है, प्राइमरी एमीन अमोनिया सेकेंडरी एमीन हमेशा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करता है, तो ये बात खोपड़ी में बैठा लो अपना। तो अनसिमेट्रिक सिमेट्रिकल क्लीवेज वाला का भी अगला पेज से देखोगे तो रिएक्शन लिखा गया है, तो वहां पर आप देख लेना, वहां पर सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है, फिर उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, अभी भी यहाँ पर रिएक्शन विद अमोनिया ही बताया गया है। अगर आपका तो अमोनिया के साथ रिएक्शन, जब आपका टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या बनाता है, BnX, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम बोरोन नाइट्राइड, और इसी को बोरोन नाइट्राइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, बोरोन नाइट्राइड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और इसको हम लोग बोरा जोन भी बोला करते हैं, बोरा जोन। इसी तरह से अगर आप डायबोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे, अभी यहाँ पर 1:2 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन का, जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, बोरोन 3 होगा और क्या चीज होता है, नाइट्रोजन 3 होता है और हाइड्रोजन 6 होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के साथ साथ क्या बोलते हैं, बोराजीन और बोराजोल बोलते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को बोराजोन बोला करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बोराजीन और या बोराजोल बोला करते हैं, बोराजोल और ये बोराजोन, तो ये ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर कॉपी में बनाया गया है, कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ, बोरोन कितना बोरोन है, 3 बोरोन है, बेंजीन में क्या होता था, 6 का 6 कार्बन होता था, अब यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन है, तो अल्टरनेटिवली रखना शुरू कर दो, इसको अल्टरनेटिवली रखना शुरू कर दीजिए, हो गया अल्टरनेटिवली हो गया, अब क्या करो, अल्टरनेटिवली डबल बोरोन रखो, आप रख दिया, अब क्या है, देखो बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 6 है, तो हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन दो, हर एक के पास क्या करो, एक एक हाइड्रोजन दो, अब यहाँ पर देखो बोरोन 4 बॉन्ड बनाया है इसलिए माइनस लगाना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है इसलिए प्लस लगाना, सही है ना, हाँ, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस रखते शुरू कर दो, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस, यहाँ पर जैसे प्लस या माइनस, प्लस माइनस, ये स्ट्रक्चर है क्या, इसका ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
अगला पॉइंट ये भी देख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया और बोरिक एसिड बनता है। चलो तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है हाइलाइट्स ऑफ बोरोन। हाइलाइट्स ऑफ बोरोन, तो हाइलाइट्स ऑफ बोरोन में बॉन्डिंग में बहुत अच्छा से पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लो। ये BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये सब में क्या होता है बताओ? बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है ये सब बता चुका हूँ। BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है। क्यों बैक बॉन्डिंग होता है? बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या था? किसी 2p एलिमेंट, किसी सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो तो तुरंत ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग इज बेसिकली ये पाई बॉन्ड्स, तो ये बैक बॉन्डिंग होगा। ये भी बताया था BF3 के अंदर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होता है, BI3 के अंदर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी लो। तो इस ये चारों में से पूछा जाता है कि लीस एसिड कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? लीस एसिड कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा बताओ मुझे? इसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ अरे यार BF3 क्यों बोल रही है? लीस एसिड क्या होता है बताओ? लीस एसिड क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लोन पेयर ऑफ एक्सेप्टर। तो अगर यहाँ पर देखोगे ये बोरॉन जो है और ये जो BI3 है, बैक बॉन्डिंग किस लिए हो रहा है? व्हाट इज द रीजंस ऑफ डूइंग बैक बॉन्डिंग? सो दैट बैक बॉन्डिंग से यही हो रहा है, इस बोरॉन के पास देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो इससे इस बोरॉन को थोड़ा अगर भूख लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, भूख खत्म हो रही है, बैक बॉन्डिंग से थोड़ा हेल्प मिल गया, थोड़ा खाना मिल गया। बट इस BI3 में स्टिल इस बोरॉन को बैक भूख बहुत ज्यादा जोर से लगी हुई है क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग से हेल्प नहीं मिल रहा है, इसको बैक बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है इस बोरॉन को। तो किसको? इसको ज्यादा भूख लगी हुई है। तो अगर इसको भूख अगर ज्यादा लगी हुई है तो इसको खाना की ज्यादा जरूरत है या इस बोरॉन को? BI3। तो ये ध्यान रखना BI3 में लोन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी लो, नेग्लिजिबल। इसलिए दिस बोरॉन प्रेजेंट इन BI3 हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एग्जाम हमें लगता है कि 10 बार 12 बार से भी ज्यादा पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, आप बोलोगे BF3 दिमाग में आएगा बट आंसर इसका BI3 होगा। BI3 में बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत कम होता है इसलिए इसका लूस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, समझे ये चीज? तो यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देख लेना। उसके बाद में एल्यूमिनियम का कंपाउंड अगले क्लास में ही पढ़ाऊंगा, एल्यूमिनियम का कंपाउंड, और उसके बाद कार्बन का कंपाउंड पढ़ाऊंगा। आज कार्बन का कंपाउंड का नोट्स दे देता हूँ, फिर उसको आज आप टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। कल कार्बन का कंपाउंड भी ओवर हो जाएगा और कल जो शाम का क्लास होगा आई होप उसमें नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको यही काम दूंगा, क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, सॉरी कार्बन फैमिली का नोट्स दूंगा, उसको आप घर में पढ़िएगा और कल पढ़कर आइएगा क्योंकि कल जो क्लासेस होगा उसमें कार्बन फैमिली का भी ओवर कर देंगे। उसके बाद शाम को जो क्लास होगा उसमें नाइट्रोजन फैमिली। सर कल छुट्टी नहीं रहेगी? कल क्या चीज का छुट्टी? कल क्या है? ईद है सर। कल सर ईद है सर। अच्छा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना बाबू, होना तो चाहिए। यस सर। यस सर। होना चाहिए। आज भी तो कुछ फेस्टिवल्स है ना, जापू फेस्टिवल्स है ना, आज है या कल है? कल ईद है। कल ईद है, होना तो चाहिए यार।
यस सर, मैं ग्रुप में कुछ डाउट्स भेजा था सर, अपना सॉल्व नहीं किया। अच्छा सर, डाउट भेजी थी तुम। अच्छा तो मैं अभी अभी ना सॉल्व कर देता हूँ, ठीक ना? हाँ सर, वो लॉजिक समझ में नहीं आया इसीलिए भेज दिया, वो एग्जाम का क्वेश्चन सर। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करके भेज देता हूँ।